नमस्कार दोस्तों, जितने भी कैंडिडेट 44,228 पदों में फॉर्म फिल किए हैं जीडीएस में, उन सभी को अब एक चीज का इंतजार है, वो है रिजल्ट। और दूसरा चीज एडिट करेक्शन का ऑप्शन जो ऑलरेडी चालू है। अगर आपके फॉर्म में किसी भी प्रकार का मिस्टेक हुई है, अगर आपका 10th के सर्टिफिकेट के आधार पे चेक करना है आपको, मैं बता दूं पहले 10th के सर्टिफिकेट के आधार पे अगर कुछ भी मिस्टेक हुआ है तो आप चेक कर लीजिए। 10th के सर्टिफिकेट में जो नाम लिखा है, जो पापा का नाम लिखा है, जो डेट ऑफ बर्थ लिखा है, जो मार्क्स लिखा है, वही सब आपके फॉर्म में होना चाहिए, नहीं तो डीवी के टाइम आप रिजेक्ट है, आपका कोई सुना नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये बात आप लोग ध्यान रख दीजिए। और रिजल्ट जितने भी कैंडिडेट इंतजार कर रहे हैं, उन सभी के लिए आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। तो सबसे पहले मैं बाकी कुछ बताने से पहले आप लोगों को इस वैकेंसी का सबसे पहली बात एडिट करेक्शन का ऑप्शन बता दूं, ताकि आप लोग अभी से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे तैयार रहे। सबसे पहला मैं आप अपना नाम चेक कर लीजिए, ठीक है, नाम 10th के सर्टिफिकेट में जो लिखा है ऑनलाइन फॉर्म फिल में वही लिखा है कि नहीं तो ज्वाइनिंग के टाइम भी या डीवी के टाइम आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, ये देख लो, फिर अपना डेट ऑफ बर्थ देख लो, अपना जो मार्क्स है 10th का वो भी चेक कर लो। बोर्ड में बहुत बच्चे गलती करते हैं फॉर्म फिल करने के टाइम, जल्दबाजी में ऑनलाइन सेंटर में अगर अप्लाई करा रहे हैं, वो ऑनलाइन फॉर्म में जो बोर्ड होता है उसको गलत कर देते हैं, वो चेक कर लीजिए। अपना कास्ट चेक कर लीजिए, ठीक है, अपना जो भी है, अपना डिटेल्स, आप लोगों का आधार कार्ड हो गया, सभी का जो भी डिटेल्स है वो सब कुछ चेक कर लीजिए, ताकि अभी आप लोगों के पास 3 दिन का टाइम है, और वो है 6, 7 और 8, 3 दिन का टाइम है। ठीक है, और इस 3 दिन में आपको आपको क्या करना है, इस फॉर्म को चेक कर लेना है, और चेक करके आपको एडिट और करेक्शन कर देना है, ताकि किसी भी प्रकार का आपके फॉर्म में समस्या ना हो। रही बात क्या क्या सर्टिफिकेट लगेगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं शॉर्ट रूप में बता दूं, क्योंकि इसके बाद शायद ही मैं बनाऊं ये जेडीएस में सीधा मेरिट के टाइम बनाऊंगा, तो आप लोग, मैं आप लोगों को पहले ही बता दूं एक ही वीडियो में, आपका 10th का सर्टिफिकेट लगेगा, क्योंकि 10th का सर्टिफिकेट इस वैकेंसी का क्वालिफिकेशन भी है, और इसमें आपका डेट ऑफ बर्थ प्रूफ भी है। ठीक है, 10th का सर्टिफिकेट हो गया, आधार कार्ड हो गया आईडी के लिए, ठीक है, आधार कार्ड के अलावा आपके पास होना चाहिए कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है तो, जनरल वाले हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। रिसेंट फोटो आप चेक कर लीजिएगा आप ही का है कि नहीं है, और उसके बाद आपके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट है तब भी ठीक है, नहीं है तब भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अंडरटेकिंग से काम चल जाती है। तो ये सभी चीज आप, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो आप देख लीजिएगा, बस इतना ही आपका है तो आप समझ जाइए। और अगर आपका आधार कार्ड में नाम मिस्टेक है तो आधार सेंटर में जाइए, या फिर कोई भी सीएससी सेंटर में जाइए, वहां पे जाकर के 10th के सर्टिफिकेट के आधार पे आप अपना सर्टिफिकेट में, आधार कार्ड में नाम चेंज करवा लीजिए। रही बात कास्ट सर्टिफिकेट और 10th के सर्टिफिकेट में अगर नाम थोड़ा सा उल्टा पुल्टा है तो आप एक नोटरी बनवा लीजिएगा 10th के सर्टिफिकेट के आधार पे, बोलिएगा ये नाम और ये नाम दोनों नाम एक ही है, और ऐसे बोल करके नोटरी करवा लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। बस इतना ही सर्टिफिकेट आपके पास है, इसके अलावा आपको और किसी चीज का जरूरत नहीं है, ये बात आप लोग ध्यान दे दीजिए। और अगर कुछ भी चीज का जरूरत रहता है तो पोस्ट ऑफिस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आपको 10 से 15 दिन का टाइम देता है, उसने टाइम में आपको जा करके अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लेना है वो सर्टिफिकेट के साथ। ठीक है, तो ये हो गया आपका एडिट करेक्शन, ये हो गया आपका क्या क्या सर्टिफिकेट लगेगा वो। अब आ जाती है रिजल्ट, तो भैया रिजल्ट में आप लोगों को बता दूं, फर्स्ट लिस्ट में कटअप हाई जाने वाली है, फिर सेकेंड लिस्ट से ये कटअप थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे कम हो जाएगी। रही बात फर्स्ट लिस्ट में आपका रिजल्ट कब आएगा, यानी कि फर्स्ट लिस्ट आपका कब आने वाली है, तो आप लोगों को बता दूं इसका फर्स्ट लिस्ट आपको 20 अगस्त 2024 तक इसका पहला लिस्ट आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, क्योंकि एडिट करेक्शन का ऑप्शन आ गया है, फॉर्म फिल करने का डेट आगे नहीं बढ़ाया गया है, क्योंकि सर्वर डाउन का प्रॉब्लम नहीं था इस बार, थोड़ा बहुत था बाद में वो सही हो गया। ठीक है, इसके लिए डेट नहीं बढ़ाया है, तो आप सभी कैंडिडेट बने रहिए, इंतजार करिए, और सही टाइम पे आपको चेक कहाँ करना है, आपको चेक करना है मात्र गूगल में जीडीएस करके सर्च कर देना है, आप जीडीएस सर्च करोगे तो सबसे ऊपर में आ जाएगा, यहीं से जाकर के आप अपना रिजल्ट सर्कल वाइज चेक कर सकते हैं। दोस्तों सभी
स्टेट का सभी सर्कल का, घबराने की जरूरत नहीं है, 20 तारीख से पहले आपको रिजल्ट इसका देखने को मिल जाएगा जीडीएस का। रही बात इस भर्ती की, सेफ जोन की, सेफ जोन में कटअप कितना जाएगा ऐसा सोच करके, तो आप अभी ऐसा मत सोचिए क्योंकि फर्स्ट लिस्ट में सभी जोन में हाई कटअप आप लोगों को देखने को मिलेगा, एक दो जोन छोड़ करके। और आप लोगों को बता दूं दोस्तों, जो जैसे कि असम हो गया, गुजरात हो गया, ये सभी जोन में कटअप डाउन जाने वाली है, बाकी सभी जोन में फर्स्ट लिस्ट में हाईएस्ट कटअप आप लोगों को देखने को मिलेगा। मैंने पहले ही कुछ राज्य के बारे में बता दिया, जैसे कि वो राज्य है आपका हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ये सभी में 100% कटअप जाने वाली है। बाकी सभी राज्य में आपका जो कटअप है वो 95 से 100 के बीच में रहेगी फर्स्ट लिस्ट में, और वो कटअप धीरे धीरे आप लोगों का कम हो जाएगा। बिहार वाले कैंडिडेट घबराइए नहीं, अगर अदर स्टेट में भर दिए हैं तब भी कोई बात नहीं, बाद में आप ट्रांसफर लेकर के अपने स्टेट में आ सकते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। और इस वीडियो में आप लोगों को कटअप कटअप आप लोग बोलते हो, तो मैं आप लोगों को बता दूं कोई ऐसा घबराने की जरूरत नहीं है, आपका जितना भी परसेंट रहे आप हर एक बार लिस्ट चेक कर लीजिएगा, क्या पता आपका मेरिट में नाम हो और आपका मैसेज वगैरह नहीं आया हो। क्योंकि आप लोगों को बता दूं, अगर आप नॉर्थ ईस्ट से फॉर्म फिल किए हैं ठीक है, तो आपको देखना बनता है क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में कटअप कम जाती है। दूसरी बात आप लोगों को बता दूं, जितने भी कैंडिडेट चाहे यूपी में फॉर्म फिल किए हो, एसटी कैंडिडेट वालों के लिए यूपी में सबसे कम कटअप जाती है कुछ जोन में, मैं जब रिजल्ट आएगा तो आप लोगों को बता भी देगा ठीक है। तो यूपी वगैरह हो गया, यूपी एमपी हो गया, राजस्थान हो गया, बिहार हो गया ठीक है, जो भी राज्य में आप फॉर्म फिल किए हैं घबराने की जरूरत नहीं है। एक लिस्ट में नाम नहीं आएगा तो सेकेंड लिस्ट चेक कर लीजिएगा, सेकेंड लिस्ट में नाम नहीं आया तो थर्ड लिस्ट चेक कर लीजिएगा, फोर्थ लिस्ट चेक कर लीजिएगा, ऐसे कर करके आपको लिस्ट चेक कर लेना है। क्योंकि देखिए आप लोगों को मैं बता दूं दोस्तों, ऐसे आप ही लोगों का फायदा है, क्योंकि देखिए हर एक बार आप नया नया लिस्ट में चेक करोगे, क्या पता उस लिस्ट में आपका नाम हो। और मैं एक चीज और बता दूं, जीडीएस के भरोसे आप लोगों को नहीं बैठना है, भले ही आप लोग जीडीएस में ही सिलेक्शन क्यों ना ले ले, जीडीएस में सिलेक्शन ले लेते हैं फिर भी आपको तैयारी करते रहना दोस्तों, बहुत सारे वैकेंसी आती है जिसमें योग्यता आपका 10th पास होती है। एक चीज मैं बता दूं, एसएससी के अंतर्गत ही एमटीएस की वैकेंसी आती है, साथ ही साथ अभी रेलवे में वैकेंसी आने वाली है, तो आप अगर जीडीएस में आपका सिलेक्शन हो भी जाता है तब आप ड्यूटी ज्वाइन कर लीजिएगा, लेकिन अपना पढ़ाई कंटिन्यू कीजिएगा, क्योंकि अभी रेलवे वगैरह में बहुत सारे डिपार्टमेंट में भर भर के वैकेंसी आने वाली है। आप सभी को पता है अभी आरआरबी की तरफ से पैरामेडिकल का एक शॉर्ट नोटिस जारी हुआ है, जिसमें आप सभी को पता है कि पैरामेडिकल में कौन कौन सा पोस्ट आती है, नर्सिंग वगैरह सभी का आ गया। अब 12वीं पास वालों के लिए एनटीपीसी की वैकेंसी आ रही है दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी रेलवे की नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी में। दूसरा चीज आप लोगों को और मैं बता दूं, एक चीज और इंपॉर्टेंट चीज, ग्रुप डी की वैकेंसी आपको अक्टूबर नवंबर दिसंबर के आसपास में देखने को मिल जाएगा, तो आप लोगों के पास सुनहरा मौका है रेलवे की इस आगामी परीक्षा में बैठने का और नई नई भर्तियों का मतलब एग्जाम देने का, आप ही लोगों को एक्सपीरियंस मिलेगा, नई पदों में सिलेक्शन होगा। देखिए जीडीएस में हो गया इसका मतलब ये नहीं है कि आपको आगे कंटिन्यू नहीं करना है, जीडीएस भर्ती जो है ना वो एक डिपार्टमेंटल वैकेंसी है, आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की पूरा 100% फायदा नहीं देखने को मिलेगा, तो जीडीएस जीडीएस करके सोचिएगा मत, हो गया तो अच्छी बात है ठीक है, नहीं तो अदर वैकेंसी की तैयारी भी आपको करते रहना है ठीक है जीडीएस में। अब एक चीज और आप लोगों को बता दूं, जीडीएस वाले कैंडिडेट थोड़ा ध्यान दे दीजिए दोस्तों, जीडीएस के अलावा भी आप लोगों के पास बहुत सारे ऑप्शन रहती है, वो सब में ध्यान देना है। आज के लिए बस इतना है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिएगा, डेली जीडीएस के अलावा भी 10th लेवल, 12th लेवल, ग्रेजुएशन लेवल, हर प्रकार की वैकेंसी की अपडेट इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड की जाती है, हर एक अपडेट के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई गवर्नमेंट जॉब नई सरकार नौकरी के अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।